इनके कहने से आता कौन है। आप देखिए इनके संगठन की दुर्गति बनी है जो राजेंद्र जी राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम संगठन जारी नहीं करता है, सारे के सारे कार्यक्रम की घोषणा राजेंद्र जी राठौड़ करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में तो जीरो हो गया भाई संगठन, सीपी जोशी जी को बिचारों को बनाया क्यों, जब उनकी इतनी ही नहीं चलती, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम की घोषणा ही राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, तो फिर तो वन मैन शो हो गया। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे, तो मोदी जी तो कर्नाटक में भी मोदी जी चेहरा थे, कर्नाटक में मोदी जी चेहरा थे, मोदी जी की क्या दुर्गति हुई, बीजेपी की क्या दुर्गति हुई आप देख लीजिए। वही कमल का निशान था, वही मोदी जी का चेहरा था, तो कर्नाटक से इन्होंने सीख नहीं ली हो तो मैं पुनः कहना चाहता हूं वही पंजाब में मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान, वहां भी दुर्गति हुई। और अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ये इसी तरीके से बात करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया, एक इनके मंत्री घूम रहे हैं कि मोदी जी की योजनाएं जो 9 साल में हुई हैं उनके ऊपर प्रचार प्रसार कीजिए, क्या प्रचार करें। 25 के 25 एमपी हैं, मोदी जी ने अजमेर और जयपुर में कहा था कि ईआरसीपी की योजना को, परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, आज तक किया नहीं, एक फूटी कोड़ी ये ला नहीं पाए। मैंने कल सुना है राजेंद्र जी राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लंपी में जो कांग्रेस की सरकार ने जो 150 करोड़ रुपए दिए हैं 40-40 हजार रुपए के हिसाब से 42 हजार किसानों को जिनकी गायों की मौत हो गई और जिन्होंने हॉस्पिटल में जिन गायों को दिखाया लेकिन वो गोमाता बच नहीं सकी तो उसके पैसे दिए, उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति की है और ये कहा है कि हम बीकानेर में कार्यक्रम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप गोमाता के नाम से वोट ले लेके केंद्र में और विभिन्न राज्यों में समय समय के ऊपर आप लोग भाग सत्ता में आए हो, लेकिन वास्तव में गोमाता के प्रति अगर सेवा करने का जज्बा है तो वो कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आते ही आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में गौशालाओं के अनुदान के लिए जो पैसा था वो 3 महीने से ऊपर ये नहीं बढ़ा पाए और हमने 9 महीने गौशालाओं के अनुदान का पैसा बढ़ाने का काम किया और जिससे गौमाता जो है वो मौत की शिकार नहीं हो पाई, बची रही। और सारे साधु संतों और गौ सेवकों ने इसकी बहुत बुरी प्रशंसा की थी। और अब तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे 12 महीने भी हम लोग इस दिशा में काम करेंगे कि गौ माता को बचाने के लिए हम लोग अनुदान देते रहे। दूसरा, जो 42 हजार लोगों को, जो किसानों को सहायता दी है, ये किसी भी स्टेट में, देश में किसी भी राज्य में ऐसी जो सेवा भावनाओं के साथ में गौ माता को बचाने का जो काम किसी ने नहीं किया वो हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार कर रही है। और इनका जो मुद्दा था गौ माता के नाम से ये जो अपनी चुनावी बेतरनी पार करते आए हैं,